हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज आज क्या बात करते हैं? आज बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज के बारे में। और क्यों बात करते हैं दोस्तों, एक चीज बता दूं, ये गैलेक्सी एम सीरीज जो हाइप में इतना चल रहा है, लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, जितना बात लोग अभी कर रहे हैं ना, उससे दुगनी ज्यादा सेल इस फोन की बाद में होने वाली है। क्योंकि सैमसंग बजट फ्रेंड सीरीज में कुछ ऐसा फोन लेकर आने वाला है जो शायद से ही आप कभी सोचे होंगे अपने सपने में भी कि सैमसंग ऐसा कुछ फीचर्स दे सकता है बजट सेगमेंट में। और एक चीज श्योर है दोस्तों कि ये फोन पूरे मार्केट में बवाल मचा देगा, तबाही मचा देगा पूरे ही मार्केट में, ना ही इंडिया बल्कि और अराउंड द वर्ल्ड। इसकी प्राइसिंग, इसकी स्पेसिफिकेशन की वजह से ये फोन हर किसी फोन के सामने स्टैंड आउट करने वाला है, चाहे वो शाओमी का ब्रांड हो, चाहे वो मोटो हो, कोई भी फोन हो, सैमसंग का ये एम सीरीज पूरी तरह से बवाल मचाने वाला है। आज इस वीडियो में हम इसी फोन की बात करने वाले हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज इस वीडियो में इस फोन के डिस्प्ले, कैमरा, प्राइसिंग, इस फोन में क्या क्या अलग अलग नए नए फीचर होने वाले हैं, कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो सैमसंग के सबसे टॉप नॉच फोन नोट सीरीज और एस सीरीज में अभी तक नहीं आए, वो भी इस बजट फोन में लेके आने वाला है सैमसंग। और लॉन्च डेट क्या हो सकती है इस फोन की, और क्या आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट क्यों करेंगे, सीधे शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सैमसंग के जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के असीम वारसी, उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये बताया है कि तीन मॉडल लॉन्च होने वाले हैं। सबसे पहले बहुत सारे मॉडल्स होने वाले हैं इस सीरीज में, पर स्टार्ट में M10, M20 और M30 ये तीन मॉडल लॉन्च होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इनके स्पेसिफिकेशंस क्या हो सकते हैं एक्सपेक्टेड, जो उन्होंने बताया है इंटरव्यू में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। डिजाइन के मामले में ये फोन्स आने वाले हैं सैमसंग के इन्फिनिटी यू कट और इन्फिनिटी वी कट डिस्प्ले के साथ, यानी कि टीयर डाउन नॉच अप्रोच, जो की बहुत ही क्लास दिखता है। और ये फोन भूलिए मत बजट सेगमेंट में होने वाले है, ये मत सोचिए कि ये नोट सीरीज जैसे महंगे होने वाले है। तो क्लास होगा ये देखने के लिए कि इस प्राइस रेंज में ऐसे डिस्प्लेस देखने मिलेंगे। और जैसे कि आपको पता है, सैमसंग और डिस्प्ले ये सबसे यूनिक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सैमसंग जैसे डिस्प्ले वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है। तो डिजाइन के मामले में और डिस्प्ले के मामले में ये फोन एकदम क्लास होने वाला है। और 6.2 इंच का डिस्प्ले होने वाला है इस फोन में कम से कम, यानी कि इससे ज्यादा, इससे कम तो नहीं है, 6.2 इंच मिनिमम इस फोन की डिस्प्ले होने वाली है। अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो उन्होंने ये भी कहा है इंटरव्यू में कि सैमसंग के जो ये एम सीरीज फोन होने वाले हैं उनमें मिनिमम ड्यूल कैमरा होगा ही, और एक कोई तो भी मॉडल है जिसमें वो ट्रिपल कैमरा भी लॉन्च करने वाले हैं इस सीरीज के साथ। तो कैमरा सेगमेंट में भी ये फोन बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखना पड़ेगा एक्चुअल में कि जब बात आती है कि एक्चुअल मेगापिक्सल और सेंसर्स कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर भी, लेकिन फिलहाल के लिए तो एक बहुत ही गुड न्यूज है बजट सेगमेंट फोन्स के लिए। अब बात करते हैं उस फीचर के बारे में जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि सैमसंग अभी तक अपने कोई भी फोन में ये फीचर नहीं लेकर आया है, और वो और कोई नहीं तो बैटरी है। अब आप सोच रहे हो कि बैटरी तो है यार, पर बैटरी मैं बात कर रहा हूँ 5000 mAh बैटरी। सैमसंग की कोई भी फोन ले लो आप, महंगे से महंगा, अब तक वो 5000 mAh बैटरी नहीं लाए है। और इस सीरीज में वो बोल रहे हैं कि हम पहली बार 5000 mAh बैटरी लेके आने वाले हैं। तो आप सोच सकते हो कि सैमसंग कितना सोच रहा है इस सीरीज के बारे में, बजट सीरीज के बारे में, आप सभी के बारे में। और एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होने वाला है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें सैमसंग की फास्ट चार्जिंग होने वाली है और USB टाइप सी पोर्ट। तो प्लस पॉइंट है प्लस पॉइंट, ये बजट सेगमेंट का फोन आपको खुश करते जाएगा जैसे जैसे आप एक एक फीचर सुनते जाओगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो इस डिपार्टमेंट में भी सैमसंग पीछे नहीं हटने वाला है। उन्होंने कहा है कि इन एम सीरीज फोन के साथ हम दो नए एक्सिनोस के प्रोसेसर भी लाने वाले हैं, इनबिल्ट इन फोन्स के साथ ही आएंगे वो। तो प्रोसेसर डिपार्टमेंट में भी सैमसंग बोल रहा है कि हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट, प्राइस सेगमेंट। तो दोस्तों, सैमसंग इन फोन्स के लिए प्राइस रेंज जो रखने वाला है वो है 10,000 से 20,000 के बीच में, ज्यादातर फोन्स के लिए, जहां पर आपको अलग अलग वेरियंट्स में प्राइस डिफर होते हुए दिखेगा। 3GB रैम, 4GB रैम, 6GB रैम कोई भी हो सकता है, 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे प्राइस वेरी करने वाला है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्राइस होगा 20,000, और
एक मॉडल कोई तो ऐसा भी होने वाला है जिसकी प्राइस 10,000 से कम भी है दोस्तों। तो सोच के देखिए, 10,000 से सस्ता फोन, इन्फिनिटी यू कट डिस्प्ले, वो भी सैमसंग का एमोलेड डिस्प्ले, उसके ऊपर से 5000 एमएएच बैटरी, ड्यूल कैमरास, एक्सिनोस प्रोसेसर, और क्या एक्सपेक्ट करते हो आप एक बजट मिड रेंज फोन से। बहुत ही अच्छा अपग्रेड होगा ये सैमसंग का एम सीरीज। बात करते हैं इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो लॉन्च डेट जो बोली जा रही है वो है 28 जनवरी 2019। तो हम बहुत ही उत्सुक है इस फोन के लॉन्च के लिए, देखना पड़ेगा ये फोन जब लॉन्च होता है, किसी हाइप फैलती है लोगों में, अभी से ही लोग बहुत एक्साइटेड है इस फोन के बारे में। हमें भी देखना पड़ेगा कि ये फोन लॉन्च होने के बाद कैसा परफॉर्म करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। इस फोन के जो भी अपडेट रहेंगे हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना केएस टीवी आइकन पे क्लिक करके, और तब तक के लिए देखते रहिए केएस टीवी।